पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। आज हम नहले पे दहला में बाबा से जानेंगे कि बिहार की 40 में से 21 सीटों पर क्या होगा, सीटों पर उलट फेर की अंदरूनी हकीकत क्या है। आज हम सीधे तौर पर बाबा से जानेंगे, क्या कहना बाबा आपका इस पर? देखिए, वे लगातार जिस तरह की हम चर्चाएं कर रहे हैं और उन चर्चाओं में चार चरण के चुनाव के बाद जो परिस्थितियां बनी है वो बहुत सारी कहानियों को जन्म दे रही हैं, और यहां तक कि आपने देखा होगा कि एनडीए का दबाव जो है बिहार पे काफी बढ़ गया है। खास करके अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का दबाव बिहार पे बढ़ गया है। इसका सीधा सा मतलब है कि कहीं ना कहीं जो शेष 21 सीटें बची हुई है उसमें उलट फेर की संभावनाएं ज्यादा है। इसको हम कई बार और कई तरह से समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि यहाँ फिलगुड वाली बात जहाँ शुरू हो जाती है, वहीं से आप समझिए कि पूरा का पूरा चुनाव जो है वो प्रभावित होना शुरू हो जाता है। यदि आपको ये लगता हो कि आप आसानी से चुनाव जीत रहे हैं तो वहीं आपकी सबसे बड़ी हार होती है। कल हमने देखा कि क्वालिफायर का मैच चल रहा था और जिस कॉन्फिडेंस के साथ अब तक मैच जीतती आई थी चेन्नई की टीम, कल अचानक से पूरी टीम ढह गई। इसका मतलब था कि सामने वाली टीम ने कॉन्स्टेंट होकर के अपने टीम पर और अपने प्रदर्शन पर ध्यान रखा। वही आप देख लीजिएगा, लगातार देखने को मिल रहा है कि नरेंद्र मोदी के भरोसे पूरा का पूरा चुनाव छोड़ देना कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि एनडीए के घटक दल के नेताओं में अब एक अलग तरह की प्रवृत्ति जन्म ले चुकी है। नरेंद्र मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है, कहा भी जाता है कि मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन ये चुनाव है और यहाँ जनता सीधे इन्वॉल्व होती है, जो आपको किस किस रूप में जानती है ये आप तय नहीं कर सकते हैं। कोई 5 किलो अनाज के लिए आपको जानता है तो कोई इसलिए आपको जानता है कि अब तक आपके बारे में कहा जा रहा है कि आप हिंदू मुस्लिम करते हैं। कोई आपको राम मंदिर के बारे में जानता है तो कोई और कारणों से जानता है। वहीं अगर दूसरे पक्ष की बात करें तो वहां भी लगातार ये जताने की और बताने की कोशिश की जा रही है कि 2005 से पहले बिहार में किस तरह का शासन चलाने वाले लोग अब दावा कर रहे हैं बिहार में जीत का। इन सारी बातों को लेकर के 2014 और 2019 के चुनाव से बिल्कुल भिन्न परिस्थितियां हैं और समीकरण जहां फिट होगा वही इस बार चुनाव जीतेगा, वही हिट होगा, ये बातें हम लगातार कहते आ रहे हैं। इसके साथ साथ जो लड़ाई आसान आपको दिख रही है वो लड़ाई आसान नहीं, बड़ी मुश्किल है। बात किसी भी क्षेत्र की करें, अगर सीतामढ़ी की करें तो यहां पर कहा जाता है कि सीतामढ़ी का क्षेत्र जो है वो दूसरा मधेपुरा है, यहां भी गोप का चलता है और गोप ही यहाँ एनडीए के विरुद्ध चुनाव लड़ रहे हैं। अर्जुन राय यहाँ से पहले भी जीत चुके हैं और जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें देवेश चंद ठाकुर बिल्कुल ही एकदम फ्रेश चेहरा है, खास करके अगर देखा जाए तो लोकसभा चुनाव के लिए। इससे पहले एक लोगों में बहुत ही गुस्सा था कि यहाँ से सवर्ण जो उम्मीदवार थे उनको हटाया गया है, इसको लेकर के आपने देखा भी कि किस तरह से खुद गृह मंत्री अमित शाह को आना पड़ा, जो आते हैं वैश्य समाज से, और उनको सामने रखते हुए वैश्य समाज के टिकट कटने पर उन्होंने खुद कहा कि मैं भी इसी समाज से, बनिया समाज से ही आता हूँ। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि यहाँ की लड़ाई कितनी टफ होगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि कल जब वोटर पोलिंग बूथ पे जाते हैं तो क्या फैसला करते हैं। बात यही नहीं खत्म होती है, इसके अलावा भी कई ऐसी बातें हैं जिसकी चर्चा बहुत जरूरी है। मधुबनी में जो लड़ाई है वो लड़ाई हमें 2014 की याद दिलाती है। 2014 में ये लड़ाई बहुत कड़ी हुई थी और यहाँ से अल्पसंख्यक समाज ने लगभग आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी को बाहर कर दिया था रेस से ही, लेकिन अंततः बहुत मुश्किल से रिकवर किए थे हुकुमदेव नारायण यादव, उनके पुत्र अशोक यादव चुनाव लड़ रहे हैं। अगर बात करें मुजफ्फरपुर की तो यहाँ पर राजभूषण निषाद जो है, मैं सिर्फ पांचवें चरण की अभी बात कर रहा हूँ कि राजभूषण निषाद के लिए वो फील गुड भले ही कर लेगा लेकिन फील गुड उनको बड़ी भारी पड़ने वाला है, क्योंकि अजय निषाद और उनका बैकग्राउंड बहुत मजबूत है। यहाँ सारण की बात करें तो यहाँ लड़ाई बहुत कड़ी है। इस लड़ाई में राजपूत समाज और उनके साथ साथ अन्य समाज क्या करता है, लेकिन अगर लालू की चली और लालू जी सबसे कैंप कर रहे हैं तो रोहिणी आचार्य यहाँ से बाजी मार भी सकती हैं। यही कारण है कि इसकी अंदरूनी हकीकत जो है उलट फेर वाली नजर आ रही है। हाजीपुर में चिराग पासवान को लेकर के कहा तो ये जा रहा है कि लड़ाई ही नहीं है, लेकिन यहाँ की लड़ाई इस तरह से आप देख सकते हैं कि अगर चिराग पासवान के समर्थक जो हैं, उनके शुभचिंतक जो हैं, अगर ये समझ लें
कि चिराग पासवान जीत रहे हैं, उनकी जरूरत क्या है, तो ऐसी स्थिति में चिराग पासवान के साथ बड़ा धोखा और झोलझाल हो जाएगा। यहाँ भी उलटफेर की संभावना है, प्रबल हो जाएंगी। इसलिए चिराग पासवान अपने वोटरों को पोलिंग बूथ पर कितना पहुंचा पाते हैं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आपको बता दें कि इस पूरी कहानी में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के बीच जो 21 बची हुई सीटें हैं उसमें से 4 में सीधा मुकाबला है, तो वहीं जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल के बीच 5 सीटों पर मुकाबला है, तो लोक जनशक्ति पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के बीच 2 सीटों पर मुकाबला हो रहा है। इन 11 सीटों में खास करके अगर बात करें हम, तो जदयू की स्थिति थोड़ी कमजोर नजर आ रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी भी कई सीटों पे कमजोर ही नजर आ रही है। लोक जनशक्ति पार्टी के साथ अगर हम कहें तो कहीं ना कहीं एक लीड लेकर के जरूर चिराग पासवान हैं, लेकिन वैशाली में उनकी भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती है, क्योंकि लड़ाई यहाँ 2 सवर्णों के बीच में है और इसमें मुख्य भूमिका में वो जो 36% EBC हैं वो फैसला करेंगे। इसके अलावा अगर बात हम करें तो मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण, पश्चिमी चंपारण में भी लगातार संजय जायसवाल यहां से चुनाव तो लड़ रहे हैं, लेकिन कहा जाता है कि इस बार ब्राह्मणों को बहुत कम सीट मिली है और ब्राह्मणों की नाराजगी यहां संजय जायसवाल को भारी पड़ सकती है, क्योंकि मदन मोहन तिवारी यहां से ब्राह्मण समाज से खड़े हैं, जिसको लेकर के लोग उनके सपोर्ट में खड़े हो सकते हैं। राधा मोहन सिंह की बात करें तो यहां उनके सामने कुशवाहा खड़े हो गए हैं और कुशवाहा, राजेश कुशवाहा को टिकट देकर के VIP ने कहीं ना कहीं लालू प्रसाद के उस स्ट्रेटजी का हिस्सा अपने आप को बना लिया है, जहां MY समीकरण का वोट तो मिलेगा ही, लेकिन यहां कुशवाहा भी डोमिनेट करते हैं और राजेश कुशवाहा को यदि MY का पूरा वोट मिल गया तो राधा मोहन सिंह के लिए जो उनकी अंतिम पारी है, संभवतः ये अंतिम पारी उनकी होगी, वो पारी उनके लिए बड़ा कष्टदायक होगी और उनकी विदाई बड़ा ही दुखद हो जाएगी। महाराजगंज की बात करें तो यहाँ भी आकाश सिंह की बात करें, कई भीतरघात की संभावनाएं नजर आ रही हैं और यही कारण है कि हम बता रहे हैं कि अंदरूनी हकीकत यहाँ भी बहुत अच्छी नहीं है जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के लिए। बात पटना साहिब की करें तो रविशंकर प्रसाद का इस बार भिड़ंत भी कुशवाहा समाज के नेता से है। यहाँ भी अगर लालू प्रसाद का MY समीकरण, जिसकी चर्चा हम शुरू से कर रहे थे कि राष्ट्रीय जनता दल यहाँ से अपने खास उम्मीदवार, अपने पार्टी के उम्मीदवार को उतारे, तो यहाँ की लड़ाई दिलचस्प हो जाएगी। जिस तरह से आप देखे होंगे कि पाटलिपुत्रा में होती है और पाटलिपुत्रा में भी लड़ाई कमजोर नहीं है। आरा में RK सिंह भी फंस गए हैं, क्योंकि काराकट में अभी भी उपेंद्र कुशवाहा पूरी तरह से निकल नहीं पाए हैं। आपको याद होगा कि उपेंद्र कुशवाहा अपने सीट को बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं और उनको पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का समर्थन मिल भी रहा है। कल कई बातों को लेकर के उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, हमारी टीम लगातार पिछले 4 दिनों से वहां कैंप कर रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर किसी सीट पर हार जीत के फैसले को लेकर के संशय की स्थिति बनी हुई है तो उसमें से काराकट भी है। अगर बात करें हम बक्सर की, तो बक्सर में भी मिथिलेश तिवारी का मामला फंसाई हुआ है। खुद संपादक नमन मिश्रा जी वहां कैंप कर रहे हैं अपनी टीम के साथ और वहां की जमीनी हकीकत बता रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में जो हमारे पास खबरें आई हैं, कल ही की बात है, कल एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक परिवर्तन हुआ है। हेमंत विश्व शर्मा के आने से वहां के माहौल में परिवर्तन हुआ है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है मिथिलेश तिवारी के लिए कि वो चीजों को अपने पक्ष में इतना जल्दी से कर लें, उसमें वक्त जरूर लगेगा, हालांकि उनके पास अभी समय है। शिवेश राम की बात करें तो सासाराम में भी लड़ाई कमजोर नहीं है, ये क्षेत्र भी प्रभावित करता है कहीं ना कहीं उस अति पिछड़ा और पिछड़ा समाज के गैर यादव जो वोटर हैं उनको, क्योंकि बगल के जितने भी क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में उनकी भूमिका क्या होगी ये दर्शाता है। बात हमने वाल्मीकि नगर की अगर करनी हो तो वाल्मीकि नगर में भी लड़ाई कड़ी है, इस बार यादव उम्मीदवार को उतार करके लड़ाई को और दिलचस्प बना दिया है राष्ट्रीय जनता दल ने। शिवहर में लवली आनंद कहीं ना कहीं फंसी हुई है, क्योंकि जो वैश्य उम्मीदवारों का शिवहर और सीतामढ़ी से टिकट कटने के बाद ऋतु जायसवाल जो वैश्य समाज से आती हैं उनको उतार करके एक बड़ा गेम खेला है। गोपालगंज में भी लड़ाई कमजोर नहीं है, लेकिन यहाँ लीड लेती हुई भारतीय जनता दल यूनाइटेड दिखाई दे रही है। बात अगर करें सिवान की, तो यहाँ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं अपने कैंडिडेट विजय लक्ष्मी का प्रचार करने के लिए, लेकिन आसान यहाँ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ हिना साहब के मैदान में उतरने से ये लड़ाई या तो अवध बिहारी चौधरी और हिना साहब हो गई है, या फिर विजय लक्ष्मी और हिना साहब हो गई है। अब देखना होगा प्रधानमंत्री के आने के बाद क्या उसमें परिवर्तन होता है। बात नालंदा की करें तो लगातार जीत दर्ज कर रहे कौशलेंद्र के लिए इस बार मुश्किल होने वाली है, क्योंकि CPIML को यह सीट गई है और यहाँ से संदीप सौरभ कड़ी टक्कर दे रहे हैं। तो बात जहानाबाद की करें तो यहाँ की लड़ाई भी आपको पता ही होगा
कि चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी को लेकर के लोगों में खासी नाराजगी है, लेकिन अति पिछड़ा समाज इस क्षेत्र में निर्णायक भूमिका में होगा और खास करके यहाँ जो भूमिहार समाज है वो किसके पक्ष में जाता है। हालांकि कई भूमिहार समाज के नेताओं को एकजुट करने की कोशिश चल रही है। काराकट की बात हमने आपको बता दी कि वहां मुश्किल में अभी भी संकट में नजर आ रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, तो वहीं हाजीपुर की बात भी हमने बताई, हमने वैशाली की भी बात बताई, यानी कि जो 21 सीटें बची हुई है उसमें अंदरूनी हकीकत यह है कि कोई भी सीट कुछ सीटों को छोड़ करके आसान नहीं है एनडीए के लिए निकाल लेना। यही कारण है कि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा हो रहा है और 40 में से 21 बची हुई सीटों पे उलटफेर की संभावनाओं ने ही प्रधानमंत्री की जमीन खिसका के रखी है और उनकी बेचैनी बढ़ा दिया है। देखना दिलचस्प होगा कि जब 4 तारीख को परिणाम आता है तो क्या होता है, लेकिन उससे पहले एक बड़ा परीक्षा जो है वो होने जा रहा है 20 तारीख को, 25 तारीख को और इसके बाद 1 जून को। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये 3 जो दिन है वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लिए और वहीं राष्ट्रीय जनता दल की अगुवाई वाली इंडिया गठबंधन के लिए कितना ज्यादा मुफीद होती है या फिर उनके लिए मुश्किलें खड़ी करती है। 4 तारीख को सब खुल करके सामने आ जाएगा। तो जैसा कि अभी आपने सुना कि बाबा ने बताया कि बचे हुए 21 सीटों पे किस तरह से मतलब जो प्रत्याशी हैं वो वहां पे मतलब इस बार महागठबंधन और एनडीए अपने तरफ से दोनों दमखम लगा चुके हैं, तो इसका जो निर्णय होगा वो 4 जून को हमारे सामने होगा। तो और भी ऐसे तमाम खबरों के अपडेट के लिए बने रहें भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।